हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी विप्र जो जो साइक्लोन है वो भारत को हिट करने वाला है। कोस्टल जो हमारे स्टेट है उनको हिट कर चुका है वो। तो आईएमडी है, उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत सारे स्टेट पे रेड अलर्ट है वो आपका जारी हो चुका है। जैसे हम बात करें गुजरात, गुजरात के कच्छ को ये हिट कर चुका है। तमिलनाडु है, केरल है, राजस्थान के कई जो डिस्ट्रिक्ट है वहां भी हाई अलर्ट है। एमपी के कई डिस्ट्रिक्ट है वहां भी हाई अलर्ट है। एनसीआर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी हाई अलर्ट है। तो स्टूडेंट का ये सवाल है कि क्या सर इसके चलते हमारे जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होंगी। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। कि वो पहले एक बार ऐसा हुआ था दिसंबर 2021 में, जब एक साइक्लोन आया था तो उड़ीसा के कुछ जो आपके डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था जहां पे रेड अलर्ट थे। तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपके रेड अलर्ट वाले जो स्टेट है उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वहां पे हो सकता है कि आपका पोस्टपोन हो। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अभी आप अपने एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। एनटीए का फाइनल नोटिस क्या आता है, अगर ज्यादा थोड़ा सा हिट करेगा, ज्यादा तूफान तबाही मचाएगा, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो। लेकिन करंट सिचुएशन में अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो पूछ रहे थे कि सर क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। तो उन सब के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब तक एनटीए का नोटिस नहीं आए तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और ये होगा तो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, बाकी सबका ये पोस्टपोन नहीं होगा। तो कुछ जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है, जहां पे रेड अलर्ट है, वहीं पे ये आपका एग्जाम है जो पोस्टपोन हो सकता है। तो ये जो विप्र जो है दोस्तों, ये आपका अरेबियन सी में साइक्लोन आया है और इस साइक्लोन से बहुत सारे स्टेट हैं जो अभी प्रभावित हैं। स्पेशली आज की हम बात करें तो आज इंडिया में गुजरात की कच्छ वाले कोस्ट को ये हिट कर चुका है और वहां पे बहुत सारे नुकसान है जो हो चुका है। सो आप सब लोग अच्छे से रहिए और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना है। और जब तक एनटीए का नोटिस नहीं आए तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, बाकी होपफुली कि आपका एग्जाम कोई पोस्टपोन ना हो। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स है वो मिलते रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।